स्टूडेंट इन लास्ट सेशन वी लर्न अबाउट द ऑन ऑडोलिस्ट यानी कि हम लोगों ने ऑर्डोलिस्ट के बारे में बारे में देखा एंड ऑल्सो नबाउट द डेफिनेशन यानी कि डेफिनेशन लिस्ट के बारे में भी हम लोगों ने देखा बट नाउ टूडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द क्रिएटिंग टेबल्स हाउ टू क्रिएटल्स इन एच डीएमएल कि एसटीमल में हम लोगों को टेबल कैसे बनाना है किस तरीके से हम लोग बना सकते हैं कौन कौन से एट्रीब्यूट यहाँ पर यूज होते हैं कौन सी टेग यहाँ पर यूज होती है वो सब हम लोग यहाँ पर देखेंगे सो टेबल्स रिप्रेजेंट द डेटा इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम कि टेबल का जो भी डेटा है वो कौन से फॉर्म में आएगा रो और कॉलम के फॉर्म में यानी कि आपके सामने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है तो जिसका नेम है स्टूडेंट जो भी डेटा यहाँ पर दिया गया है रोल नंबर नेम ग्रेड जेंडर वो सब क्या है कॉलम है और जो आपका डेटा है एक्चुअली वो रो के हिसाब से बनाया गया है यानी कि रोल नंबर नेम ग्रेड जेंडर रोल नंबर वन इज आर ओ ग्रेड बी जेंडर एम यानि कि मेल उसके हिसाब से अ टेबल इज क्रिएटेड इन एच टी एम एल यूजिंग द टेबल टेक कि टेबल को अगर एच टी एम एल हमें बनाना है तो हम लोग कौन सी टेक का यूज करेंगे टेबल टेक का देर इज नो कंपल्सरी टू राइट डाउन इन कैपिटल लेटर्स इफ यू वॉन्ट टू राइट डाउन इन स्मॉल देन यू कैन राइट इट अगर आपको स्मॉल लेटर में लिखना है तो भी आप लोग स्मॉल लेटर में उसको लिख सकते हो द टेबल टेक शुड बी डिफाइंड इन साइड द बॉडी टेग कि टेबल टेक को हमें कौन किसके इन में लिखना पड़ेगा बॉडी टेक के इनसाइड में यानी कि बिटवीन द बॉडी टेग टेबल टेग इज अ कंटेनर टेग यस yes, कि टेबल टेग क्या है कंटेनर टेग है दैट मीन्स कि उसका ओपनिंग भी है और उसका क्लोजिंग भी है डिफरेंट काइंड ऑफ टेबल्स कैन बी क्रिएटेड बाई यूजिंग द फॉलोइंग चाइल्ड टेक्स ऑफ द टेबल टेग कि अगर हमें डिफरेंट टाइप के टेबल्स बनाने हैं क्रिएट करने हैं तो उसके कुछ चाइल्ड टेक्स भी है यानी कि उसके कुछ इन साइड भी टेग है जिसको हमें यूज करना पड़ेगा तो फर्स्ट वन इज टी आर TR का फुल फॉर्म है टेबल रो वो क्या क्रिएट करेगा रो को क्रिएट करेगा क्या रो क्या क्रिएट करेगा रो को क्रिएट करेगा सो दिस इज यूज्ड फॉर डिफाइनिंग टेबल रोज यस यानी कि इस टैग से क्या डिफाइन होगा टेबल की रो डिफाइन होगी देन सो हियर इज द एग्जांपल यहां पर जो रोल नंबर नेम ग्रेड जेंडर जो फर्स्ट रो है यस yes? तो उसके हिसाब से यानी कि टीआर टेक को यूज करके हमें ये फर्स्ट रो हमारी क्रिएट होगी देन नेक्स्ट वन इज टी डी टेक टीडी मिस टेबल डेटा टीडी का फुल फॉर्म क्या है टेबल डेटा देन दिस टेग इज यूज फॉर डिफाइनिंग टेबल डेटा दैट इज द डेटा ऑफ द सेल्स यानी कि हम लोग यहाँ पर जो टेबल आपके सामने दिखाई दे रहा है वो हम लोग कहाँ पर देखेंगे यानी कि उसकी जो सेल है उसमें जो भी रोल नंबर नेम ग्रेड जेंडर वन आर ओ बी एम ये सब कुछ हम लोगों ने लिखा है वो किससे हम लोग लिख पाएंगे टी डी टेक के थ्रू यानी कि टी डी टेक के थ्रू नेक्स्ट वन इज कैप्शन कैप्शन मीन्स इज वन ऑफ द टाइटल बट यहाँ पर टाइटल टेक की बात नहीं कर हो रही है यानी कि एच टी एम एल के टाइटल की बात नहीं हो रही बट किसके टाइटल की बात हो रही है यहाँ पर टेबल के टाइटल की यहाँ पर टेबल में कौन सा टाइटल दिया है टेबल स्टूडेंट इज द टाइटल ऑफ द दिस टेबल यानी कि कैप्शन के थ्रू हम लोग टेबल का टाइटल दे पाएंगे इस का टाइटल हम लोग दे पाएंगे नहीं सो दिस टैग इज यूज फॉर डिफाइनिंग द टाइटल ऑफ द टेबल यानी इस से क्या होगा कि टेबल का टाइटल आपको डिफाइन करने को मिलेगा उसके लिए हमें कौन सी टेग यूज करनी पड़ेगी टेबल टेग एट्रीब्यूट इज टी एच दैट मीन टेबल हेडिंग यानी कि टेबल का जो हैडिंग है उसको डिफाइन करने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा टी एच टेक को यानी कि यहाँ पे जो रोल नंबर नेम ग्रेड जेंडर जो आपको बोल्ड लेटस्ट में दिया गया हुआ है उसे हम लोग क्या कहेंगे टी एच यानी कि टेबल का हेडिंग यहाँ पर टेबल जो स्टूडेंट करके दिया गया है वो कैप्शन है और यहाँ पर जो रोल नंबर नेम ग्रेड एंड जेंडर वो जो दिया हुआ है वो क्या है टेबल का हेडिंग सो दैट इज द मेन फोर एट्रीब्यूट्स ऑफ द टेबल टेक यानी कि टी आर टी डी कैप्शन एंड टी एच ये चारों टेक टेबल टेक के इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स है इसके बिना आप लोग कोई भी टेबल को क्रिएट कर पाओगे नहीं सो हियर इज द वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ टेबल टेक नाउ नेक्स्ट वन इज द एट्रीब्यूट्स ऑफ टेबल कि कौन कौन से एट्रीब्यूट हमें क्या यूज करने को मिलेंगे किस तरीके से हम लोग उसको यूज कर पाएंगे वो यहाँ पर आपको दिया हुआ है तो फर्स्ट ऑन एट्रीब्यूट इज बॉर्डर द बॉर्डर एट्रीब्यूट इज यूज टू सेट द बॉर्डर ऑफ द टेबल यहाँ पे टेल लिखा है बट एक्चुअली द स्पेलिंग इज टेबल कि बॉर्डर एट्रीब्यूट हम लोग किसके लिए यूज करेंगे टेबल की बॉर्डर बनाने के लिए यानि कि यहाँ पर जो आपको टेबल दिया है अगर उसको हमें बॉर्डर देनी है यानी कि चारों साइड जो हमें लाइन खींची हुई है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे बॉर्डर यानी कि बॉर्डर एट्रीब्यूट को यूज करना जरूरी है बाई डिफॉल्ट द वैल्यू ऑफ द बॉर्डर एट्रीब्यूट इज जीरो यानी कि उससे हम लोग क्या कहेंगे सिमलेस टेबल अगर किसी बॉर्डर की वैल्यू अगर जीरो होती है टेबल की वैल्यू अगर उसकी जीरो होती है उसके पास कोई भी बॉर्डर छिपी हुई नहीं होती है तो उससे हम लोग क्या कहेंगे सिमलेस टेबल यानी कि बिना बॉर्डर की अगर कोई भी टेबल आप लोग बनाते हो तो अगर उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू जीरो होती है उसे क्या कहेंगे सिमलेस टेबल यू कैन सेट द बॉर्डर ऑफ द टेबल बाय प्रोवाइडिंग द न्यूमेरिक वैल्यू टू द बॉर्डर एट्रीब्यूट इन द फॉलोइंग वे अगर आप लोगों को बॉर्डर की वैल्यू सेट करनी है टेबल में बॉर्डर सेट करनी है तो उसके लिए आपको न्यूमेरिक वैल्यू यानी कि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन उस टाइप की वैल्यू आपको यहां पर जो आपको वे दिया हुआ है लिखे हुए तो उसके थ्रू आपको यहां पर लिखना जरूरी होगा सो हियर इज द एग्जाम्पल टेबल बॉर्डर इज इक्वल टू टू यानी कि डबल इन्वर्टेड दैट इज द कंपल्सरी यस अगर नहीं करोगे तो एरर नहीं मिलेगी लेकिन आपको आउटपुट भी सही तरीके से मिल जाएगा जरूरी नहीं है डबल इन्वर्टेड करना जरूरी नहीं है नाउ नेक्स्ट वन इज द बॉर्डर कलर बाई डिफॉल्ट हम लोग जो भी बॉर्डर बनाते हैं उसका कलर कौन सा होता है ब्लैक एंड वाइट बट अगर हमें बॉर्डर को अगर कलर चेंज करना है तो उसके लिए भी यहाँ पर आपको कुछ चीज यहाँ पर दी गई यानी कि एक एट्रीब्यूट दिया गया है जिसके थ्रू हम लोग टेबल की बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हैं द बॉर्डर कलर एट्रीब्यूट इज यूज टू गिव कलर टू द बॉर्डर ऑफ द टेबल यानी कि ये जो एट्रीब्यूट है आप लोग किसके लिए यूज करोगे बॉर्डर यानी कि टेबल की जो बॉर्डर है उसको कलर देने के लिए यानी कि बॉर्डर कलर जो है वो किसके लिए यूज करोगे आप लोग बॉर्डर यानी कि टेबल की बॉर्डर को कलर देने के लिए द वैल्यू ऑफ दिस एट्रीब्यूट कैन बी द नेम ऑफ एनी परमिटेड कलर और एनी वैल्यू ऑफ द कलर यूजिंग आर जी बी यस कि आर जी बी का फुल फॉर्म क्या है रेड ग्रीन एंड ब्लू कलर कोड इन हेक्साडेसिमल नोटेशन लाइक हैज़ डबल डी यानी कि आर डबल डी यानी कि जी और डबल एफ यानी कि बी यानी कि फर्स्ट दो लेटर जो है वो रेड के है सेकेंड लेटर जो दो है वो ग्रीन के है और डबल एफ जो दिया हुआ है वो किसके है ब्लू के सो so, उसके हिसाब से आपका जो भी कलर रहेगा वो कौन सा रहेगा लाइट ब्लू कलर सो हियर इज द एग्जाम्पल ऑफ द गिवन कि आपको अगर कोई भी बॉर्डर को सेट करना है कलर को सेट करना है तो आप लोग इस तरीके से लिखोगे तो आप लोगों को बॉर्डर मिल जाएगी यानी कि बॉर्डर का कलर चेंज हुआ मिलेगा यहाँ पर दैट इज नॉट कंपल्सरी टू राइट डाउन द हेक्सिमल कोड कि हेग्जा डेसीमल कोड लिखना ज़रूरी नहीं है बट इफ यू वॉन्ट टू राइट डाउन द कलर नेम तो आप लोग कलर नेम भी डायरेक्टली लिख like, सकते हो उसमें ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको कंपलसरी कोड ही लिखना पड़े यस सो हियर इज द इन द कोड टेबल बॉर्डर इज इक्वल टू टू उसके बाद आपको स्पेस देनी है उसके बाद बॉर्डर कलर कलर का स्पेलिंग क्या होना चाहिए सी ओ एल ओ आर यस कलर का स्पेलिंग क्या होना चाहिए ओ एल ओ आर उसके बाद कलर नेम जो भी आपको देना है वो डबल इन्वर्टेड कोमा में आपको देना पड़ेगा सो so, और एक एग्जांपल है टेबल बॉर्डर इज इक्वल टू टू बॉर्डर कलर इज इक्वल टू हेक्साडेसिमल कोड उसके थ्रू हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग को कौन सा एट्रीब्यूट कहाँ पर यूज होता है किस तरीके से हम लोग उसको यूज कर सकते हैं यस नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट वन एट्रीब्यूट इज फ्रेम्स द फ्रेम्स एट्रीब्यूट अलाउ्ज यू टू शो बॉर्डर्स ओनली एट स्पेसिफाइड साइड्स यस कि फ्रेम्स के थ्रू आप लोग क्या कर पाओगे कि आपको पर्टिकुलर कौन सी साइड पे बॉर्डर चाहिए यस yes? उसी हिसाब से आप लोगों को वहां पर बॉर्डर मिलेगी सो हियर इज द वन ऑफ द एग्जाम्पल इज गिवन फॉर द फ्रेम्स एट्रीब्यूट फर्स्ट वन इज बॉक्स और बॉर्डर क्या दिया है बॉक्स और बॉर्डर दैट मीन्स द बॉर्डर इज डिस्प्लेड ऑन ऑल फोर साइड्स यानी कि बॉर्डर जो आपको मिलेगी बॉक्स के अलावा यानी कि बॉक्स के थ्रू वो चारों साइड मिलेगी यानी कि टॉप बॉटम लेफ्ट एंड राइट यानी कि चारों साइड आपको इस टाइप की बॉर्डर यानी कि जो हम लोग बॉर्डर यूज करते हैं पेंसिल से ड्रॉ करते स्केल से ड्रॉ करते हैं वो हम लोगों को यहाँ पर मिलेगी नेक्स्ट वन इज अबोव अबव मीन्स द बॉर्डर इज डिस्प्लेड ऑन द टॉप साइड ओनली यानी कि बॉर्डर कहां पर मिलेगी ओनली टॉप साइड यानी कि टेबल के अपस्ट्रेट में बिलो बिलो मींस बॉटम साइड द बॉर्डर इज डिस्प्लेड एट द बॉटम साइड ओनली यानी कि बॉर्डर आपको कहां देखने को मिलेगी बॉटम साइड यानी कि टेबल के डाउन स्ट्रेट में एच साइड एच साइड मीन्स द बॉर्डर इज डिस्प्लेड एट बोथ टॉप एंड बॉटम यस एच साइड यानी कि हॉरिजॉन्टल एच साइड का मीनिंग क्या होता है हॉरिजॉन्टल यानी कि दोनों साइड आपको मिलेगी यानी कि टॉप साइड एंड बॉटम साइड यहाँ पर आपको पर्टिकुलर अबव एंड बिलो लिखने की जरूरत रहेगी नहीं बट इससे इससे क्या मिलेगा टॉप एंड बॉटम दोनों साइड आपको बॉर्डर मिल जाएगी एल यानी कि लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बॉर्डर यानी कि टेबल की लेफ्ट हैंड साइड हमारी लेफ्ट हैंड साइड नहीं बट टेबल की लेफ्ट हैंड साइड पे आपको बॉर्डर मिलेगी आर एच एस राइट हैंड साइड सेम वे ऑफ द अपोजिट ऑफ लेफ्ट किसकी ऑपोजिट लेफ्ट टेबल की राइट एंड साइड आपको लेफ्ट एंड राइट यानी कि दोनों साइड की लेफ्ट भी आएगी और राइट right भी आपको बॉर्डर मिलेगी वर्ड वर्ड इज अ वर्ड नो बॉर्डर इज डिस्प्लेड यानी कि अगर आप लोगों ने वर्ड दे दिया है तो यहाँ पर उसका मीनिंग क्या होता है कि आपने जो भी बॉर्डर ड्रॉ की होगी वो देखने को मिलेगी नहीं अगर आप लोग फ्रेम एट्रीब्यूट का यूज करते हो तो नेक्स्ट वन इज बिजी कलर बीजी कलर मीन्स बैकग्राउंड कलर यानी कि टेबल को भी हम लोग बैकग्राउंड दे सकते कलर दे सकते हैं और अपने एच पेज को भी हम लोग बैकग्राउंड कलर भी दे सकते दे, दे सकते हैं यानी कि उसको सेट कर सकते हैं तब बीजी बीजी का फुल फॉर्म है बैकग्राउंड बीजी का फुल फॉर्म क्या है बैकग्राउंड और कलर का स्पेलिंग क्या होगा वापिस सी ओ एल ओ आर एट्रीब्यूट इज यूज टू चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ द टेबल यानी कि इस एट्रीब्यूट से क्या होगा कि अगर टेबल का हमें बैकग्राउंड चेंज करना है जो व्हाइट हम लोग रेगुलर यूज करते है उसकी जगह पर हमें दूसरा कोई कलर चाहिए तो इसके थ्रू हम लोग यानी कि इस एट्रीब्यूट के थ्रू हम लोग उसको यूज कर सकते हैं यानी कि उसको दूसरा कलर प्रोवाइड कर पाएंगे द वैल्यू कैन बी एनी परमिटेड कलर नेम और इट्स हेक्स हेक्स का मीनिंग क्या होता है हेक्साडेसिमल कोड यानी कि हेक्साडेसिमल कोड इक्विलेंट वैल्यू यस यानी कि दोनों आप कलर नेम भी दे सकते हो जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है ग्रीन एंड ऑल्सो यू कैन गिव द हेक्साडेसिमल कोड हेक्साडेसिमल मीन्स हेज की साइन उसके बाद फर्स्ट टू लेटर यानी कि डबल एफ जो दिया हुआ वो है रेड डबल ओ है वो है ग्रीन एंड लास्ट जो डबल ओ है वो है क्या है ब्लू यानी कि आर जी बी यानी कि रेड ग्रीन एंड ब्लू नेक्स्ट वन एट्रीब्यूट इज बैकग्राउंड नेक्स्ट वन एट्रीब्यूट कौन सा है बैकग्राउंड दिस एट्रीब्यूट इज यूज इन द सेम वे एज डन विथ बॉडी टेक बट जस्ट स्पेसिफाई द यू आर एल और द डिरेक्ट्री यानी कि फोल्डर का पाथ यानी कि लोकेशन ऑफ द फाइल इन द फाइल नेम एज इट्स वैल्यू इन डबल क्वार्स फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको टेबल का पूरा का पूरा बैकग्राउंड देना है कोई भी पाथ देना है कोई भी इमेज रखनी है उसके पीछे बीजी कलर में तो सिर्फ क्या होता था कलर सेट होता था बट अगर हमें कोई भी इमेज सेट करनी है अपनी या फिर कोई भी उसके आ, अपने टेबल के हिसाब से कोई भी इमेज सेट करनी है तो हमें वो चीज किस में लिखनी पड़ेगी टेबल बैकग्राउंड इज इक्वल टू डबल इनवर्टेड में पूरा का पूरा लोकेशन यानी कि पूरा का पूरा पाथ और डबल ओवर टेबल नो एव एवरी वन की यहां पर हाइट का मीनिंग क्या होता है और विथ का मीनिंग सबको पता है कि हाइट एंड विथ का मीनिंग क्या है बट यहां पर टेबल में वो चीज कैसे यूज होगी वो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं हाइट एंड द विथ एट्रीब्यूट आर यूज फॉर चेंजिंग एंड सेटिंग द हाइट एंड विथ ऑफ द टेबल यानी कि हाइट एंड विथ एट्रीब्यूट से क्या होगा कि अगर आपको टेबल की हाइट एंड विथ सेट करनी है अपने हिसाब से चेंज करनी है तो भी आप लोग यहाँ से उसको चेंज कर सकते हो यानी कि उसके लिए हमें कौन सा एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा हाइट एंड विथ को द वैल्यू कैन सिंपली बी गिवन एज नाइंटी और सेवेंटी और एनी अदर नंबर कोई भी नॉर्मल नंबर आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हो ऐसा जरूरी नहीं कि 92, 72, 65 भी दे, दे, दे सकते हो यहाँ पर एंटर करवा सकते हो 45 भी कर सकते हो वो आपकी मर्जी है एज इट शोज पिक्सेल ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन यानी कि वो किसके हिसाब से दिखाएगा पिक्सेल के थ्रू किसके थ्रू पिक्सेल के थ्रू कंप्यूटर स्क्रीन पे द वैल्यू ऑफ दिस एट्रीब्यूट Can also be given in कि अगर आप लोगों ने हाईट एंडसेंटेज में दी होगी तो ब्राउजर विंडो का जो नाइनटी परसेंटेज एरिया होगा वो उसमें कवर हो जाएगा यानी कि नाइनटी परसेंटेज टेबल के हिसाब से वो कवर हो जाएगी क्लियर एवरी वन एट्रीब्यूट इज सेल स्पेसिंग दिस एट्रीब्यूट इज सेन टू डिफाइन द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू सेल्स इन अ टेबल यानी कि इस एट्रीब्यूट से क्या होगा कि अगर आपके टेबल की जो दो सेल है उसके बीच में कितनी आपको स्पेस रखनी है उसके लिए ये चीज यहां पर यानी कि ये एट्रीब्यूट यूज होता है सो so, ट्रीब्यूट टेक्स वैल्यू इन पिक्सल यानी कि ये जो वैल्यू है यानी कि ये जो एट्रीब्यूट है वो वैल्यू किस में लेगा पिक्सल में द बाई डिफॉल्ट वैल्यू दैट टेकन बाय द एट्रीब्यूट इज टू उसकी बाई डिफॉल्ट वैल्यू क्या है टू यहाँ पर कंपल्सरी नहीं है कि आपको टू ही देना है बट आप लोग कोई भी वैल्यू को यहाँ पर उसको यूज कर सकते हो दैट इज द कंपल्सरी यहाँ पर जो दिया हुआ है टेबल सेल्स पैसिंग इज इक्वल टू थर्टी आप लोग थर्टीन भी यहाँ पर यूज कर सकते हो फोर्टीन भी यूज कर सकते हो आपकी मर्जी है कि आपको कितने पिक्सल में वो वैल्यू एंटर करवानी है नेक्स्ट वन इज द सेल पेडिंग दिस एट्रीब्यूट इज यूज टू डिफाइन द मिनिमम स्पेस बिटवीन द एज ऑफ द एज ऑफ द सेल एंड द टेक्स और डेटा इनसाइड द सेल सेल स्पेसिंग में क्या होता था कि दो सेल के बीच में यस yes, यानी कि दो सेल के बीच में हमें कितनी जगह रखनी है वो बट सेल पेडिंग में क्या होगा कि जो भी हम लोगों ने एक सेल में लिखा है कोई भी डेटा तो उसको वहां पर चार यानी कि उसकी फोर साइड पे कितनी हमें यानी कि इनसाइड की बात है वो आउटर की बात थी अब यहाँ पर क्या बात हो रही है इनसाइड की तो इनसाइड हमें कितनी स्पेस रखनी है तो वहां पर वो चीज़ हम लोग यानी कि सेल पेडिंग को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे दिस एट्रीब्यूट टेक्स वैल्यू इन पिक्सल सेम वैल्यू यानी कि सेल्फ स्पेसिंग एंड सेल्फ पेडिंग बोथ आर वैल्यू विल बी एक्सेप्टेड यानी कि वैल्यू ऑफ दिस एट्रीब्यूट इज टू यानी कि बाई डिफोर इसकी वैल्यू क्या होगी टू और एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है टेबल सेल पेडिंग इज इक्वल टू फिफ्टीन सेल्फ स्पेसिंग थर्टीन था और यहाँ पे सेल्फ पेडिंग कितना है फिफ्टीन यस क्लियर एवरी वन ओके